मॉडगेजी जो होता है वो मनी देता है मॉडगेजर को बट इस केस में मॉडगेजी के बदले एक थर्ड पार्टी है जो कि मनी लेंडर है उसने मॉडगेजर को पैसे दिए थे तो और इस मॉडगेज डीट का जो अटेस्टेशन हुआ जब तो जो थर्ड पार्टी था मनी लेंडर वो भी एक अटेस्टिंग विटनेस था तो इस केस में ये जो इशू था कि ये जो मनी लेंडर है थर्ड पार्टी क्योंकि यहाँ पर उसने पैसे दिए हैं मॉडगेजर को और उसने मोर्डगेज डीड को अटेस्ट भी किया है उसका वो अटेस्टिंग विटनेस भी है तो क्या ये जो मोर्डगेज डीड है ये वैलिडली अटेस्टेड है या नहीं तो इसने कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक डिस्टिंगशन है दो चीज़ों के बीच में पार्टी टू द डीड एंड पार्टी टू द ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे मॉडगेज डीड में जो पार्टीज़ हैं वो हैं मॉडगेजर और मोर्डगेजी और पार्टीज टू ट्रांजैक्शन वो हैं थर्ड पार्टी जो कि मनी लेंडर और मॉडगेजर तो यहाँ पे कोर्ट ने डिस्टेंशन ये लेट डाउन किया कि जो पार्टी टू ट्रांजैक्शन है यानी मनी लेंडर वो उस डीड को वैलिडली अटेस्ट कर सकता है बट पार्टी टू डीड यानी मॉडगेजी वो उसको अटेस्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है इस केस में कोर्ट ने इंग्लिश केसेस पर रिलाई किया जो पहला केस था वो था सील वर्सेस क्लैरिजी इसको इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अटेस्टेशन सिंपली मीन्स कि देर इज सम हु हुटैंड बाई एंड ही इज नॉट पार्टी टू द ट्रांजेक्शन एंड द सेकेंड केस दैट वॉज रिफर्ड वॉज फ्रेशफील्ड वर्सेज रीड इस केस में हेल्ड हुआ था कि पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट अटेस्ट सिंपली इस केस को फॉलो करते हुए फ्रेशफी वर्सेज रीड को कि पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट दैट इज मॉटेजर एंड मोटगेजी इन द केस तो यहाँ पे जो मॉडगेजी है या मोटगेजर है वो उसको अटेस्ट नहीं कर सकते थे मगर क्योंकि यहाँ पर अटेस्टेशन थर्ड पार्टी मनी लेंडर ने किया है तो वो अटेस्टेशन वैलिड माना जाएगा क्योंकि वो पार्टी टू ट्रांजेक्शन है ना कि पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट सो पर्टिकुलरली इन सिंगल लाइन इफ आई हैव टू से इट इज कि पार्टी टू ट्रांजेक्शन कैन अटेस्ट